ईयर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने अपना ब्रिज कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया। अभी आप 10th में चले गए, ओके। अभी ब्रिज कोर्स तो पूरा हो गया ना, अभी हमें हमारा सिलेबस स्टार्ट करना है, ओके। लेकिन देखो, कोविड की वजह से अभी तक तुम लोग स्कूल नहीं गए, और अगर तुम लोग रेगुलर स्कूल जाते थे तो अगस्त महीने में तो ये आ जाती थी, पहली यूनिट टेस्ट भी आ जाती थी। लेकिन अभी तक तो ब्रिज कोर्स का जो टाइम पीरियड है ये 14th अगस्त है, ओके। अभी देखो, उसी वजह से सिलेबस 25% क्या किया गया, रिड्यूस किया गया है। अब कौन सा नहीं पढ़ना है हमें, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है हर चैप्टर में, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो आखिरी तक देखना है, क्योंकि मैंने आज साइंस वन जो है उसमें पूरा जो चैप्टर है, पूरे जो चैप्टर है 10 चैप्टर, उसमें कौन सा कंटेंट रिड्यूस किया गया है ये मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया और दिखाया भी है। तो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक लेके बैठना है और पेंसिल लेके बैठो, पेन मत यूज करो, ओके। तो थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होने वाली है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को फास्ट करना पड़ेगा, ओके। तो चलो, पहला जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, पेज नंबर फर्स्ट निकालो। उसमें जो यूज ICT है ये, इसका इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 2, तो ये जो है सर आइजैक न्यूटन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, उसके जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस किया गया है पूरा, देखो। देन पेज नंबर 3 पे आ, उसके बाद ये 3rd पेज एज इट इज है। पेज नंबर 4 पे जो एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, जो तुम लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है, जो जिसमें इंट्रोडक्शन है, ये रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आओ, स्टार्टिंग में जो एक बॉक्स दिख रहा है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद जो है नीचे ये पूरा रिड्यूस किया गया है विद द यूजर ब्रेन पावर के साथ पूरा। देन पेज नंबर 6 पे आओ, तो ये 6 पे यूजर ब्रेन पावर और डू यू नो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिड्यूस की गई है। पेज नंबर 6 जो 7 है उसका ऊपर का ही कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर अभी आना है नेक्स्ट पेज नंबर 7, तो 7 एज इट इज है। देन 8 पेज नंबर ये भी एज इट इज है। उसके बाद 9 पेज नंबर जो है उसके ऊपर जो मास और वेट है ये जो है ये इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद जो एक बॉक्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 10 पे आना है तुम लोगों को, जो डू यू नो है इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 11 पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि हमने पूरा साइंस वन आज की वीडियो में कवर किया है। देन डू यू नो जो है इसके इसमें जो इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 11 पे इसको भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 12 पे आओ, तो ये जो है ये एज इट इज है। पेज नंबर 13 जो है ये भी एज इट इज है। उसके बाद पेज नंबर 14 पे आना है, डू यू नो में जो वेटलेसनेस इन स्पेस है इस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया गया है। अभी एक्सरसाइज एज इट इज है, ओके। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन लेसन की तरफ, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे। ये देखो, यहाँ कैन यू रिकॉल में जो 4th क्वेश्चन है और उसके साथ जो 1st पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उस पैराग्राफ को रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 17 पे आना है, डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके साथ जो बॉक्स है नीचे उसमें जो कुछ एलिमेंट दिए गए हैं उसको भी रिड्यूस किया गया है। लेकिन ख्याल में रखना, जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है उसको तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी करना है। देन पेज नंबर 18 पे आना है, तो 18 जो पेज नंबर है वहाँ है बॉटम पे एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट इस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 19 पे आना है, तो यूज योर ब्रेन पावर जो है बेस पे उसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 20 पे आते हैं, 20 एज इट इज है। देन 21 पे जो यूज योर ब्रेन पावर है इसको रिड्यूस किया गया है। देन 22 पे आओ, 22 पे जो कैन यू टेल में जो 4th क्वेश्चन है उसको रिड्यूस किया गया है और उसके साथ डू यू नो जो है तो उसको भी रिड्यूस किया गया है। 23 पे बढ़ते हैं, कैन यू टेल में जो 3 क्वेश्चंस है उसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 24 पे आना है, कैन यू टेल में जो 3 क्वेश्चन है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद
फाइव पे आप एज इट इज है, 26 पे बढ़ते हैं, 26 भी एज इट इज है, देन 27, तो बेस पे जो है इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और उसके साथ कुछ बुक भी तुम लोगों को पढ़ना है, इसको भी रिड्यूस किया गया, लेकिन बुक पढ़ो, ओके। देन 28 पे आओ तो टॉप पे ही डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी है बॉक्स में उसको रिड्यूस किया गया है, या और यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारा जो चैप्टर एक खत्म हो गया, ओके। तो एक्सरसाइज जो है एज इट इज है अभी देखो, लेकिन जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। देन क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है थर्ड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है और उसके साथ केमिकल रिएक्शन और एक बॉक्स है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, इसको रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 31 पे बढ़ते हैं तो फाइंड आउट में जो है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर आना है हमें 32 एज इट इज है। 33 पे जो है ये कंटेंट जो नीचे है बेस पे डू यू नो और फाइंड आउट, ये दोनों को भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 34 पे बढ़ते हैं तो ये एज इट इज है। 35 जो है तो जो यूज योर ब्रेन पावर में जो तीन क्वेश्चन है उसके साथ जो सब क्वेश्चन है इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 36 पे आओ तो 36 पे भी जो यूजर ब्रेन पावर में तीन क्वेश्चन है और डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसमें जो एक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस किया गया है। 37 पे आना है, 37 में कैन यू रिकॉल जो है उसको भी रिड्यूस किया गया है। 38 पे आना है, 38 जो है एज इट इज है। 39 के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी है ट्राई दिस में, इसको पूरी रिड्यूस किया गया है और उसके नीचे यूज योर ब्रेन पावर जो है और कैन यू टेल ये पूरा रिड्यूस किया गया है। अभी बढ़ते हैं 40 नंबर के पेज नंबर पे, तो ये 40 नंबर का जो पेज है एज इट इज है। देन 41 पे डू यू नो में बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है। 42 जो है डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन है इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन उसके नीचे यूज योर ब्रेन पावर है इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन आना है 43 पे, तो देखो स्टार्टिंग में ही टॉप पे कैन यू टेल में जो क्वेश्चन है ये इसको भी रिड्यूस किया गया है। उसी पेज पे कैन यू यूज योर ब्रेन पावर है इसमें जो तीन क्वेश्चन है इसको भी रिड्यूस किया गया है, और उसके नीचे डू यू नो जो है 43 पेज पर उसको भी रिड्यूस किया गया है। 44 पे बढ़ते हैं, 44 पेज पे जो बेस पे है फाइंड आउट उस क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है। 45 पे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, ये एज इट इज है, यहाँ हमारा चैप्टर ये भी खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट जो को मैंने जो हाईलाइट किया इसको तुम लोगों ने नहीं करना है। देन नेक्स्ट जो ये हमारा लेसन फोर्थ लेसन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन और उसके साथ पूरा जो पैराग्राफ है ये रिड्यूस किया गया और ऑब्जर्व और डिस्कस को भी रिड्यूस किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं 48 पेज नंबर पे, तो 48 पेज नंबर पे जो बेस पे है थिंक अबाउट इट इसको भी रिड्यूस किया गया है। 49 पे ऑलवेज रिमेम्बर जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है, लेकिन आप लोगों ने एक बार उसको ध्यान से पढ़ना है, ओके। इसके बारे में आप लोगों को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देन उसके नीचे फाइंड आउट में जो बॉक्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 50 पे आओ, डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन है एमसीबी के बारे में उसको भी रिड्यूस किया गया है। देन 51 पे तो एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ इसको भी रिड्यूस किया गया है। देन बढ़ते हैं पेज नंबर 52 पे, तो एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट इनके इंफॉर्मेशन को भी रिड्यूस की गई है। देन ऑलवेज रिमेम्बर उसके नीचे है इस इंफॉर्मेशन भी को भी रिड्यूस किया गया है। पेज नंबर 53 पे आना है तो ये एज इट इज है। देन 54 पे आते हैं तो ये भी एज इट इज है। 55 पे आते हैं तो ये भी एज इट इज है। देन 56 पे आओ तो 56 भी एज इट इज है। देन 57 पे गैल्वेनोमीटर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको रिड्यूस किया गया है। और आना है 58 के ऊपर, 58 जो है वहाँ जो है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट तो ये बेस पे दिख रहे तुम लोगों को इसको रिड्यूस किया गया है।
उसके बाद जो है 59, तो स्टार्टिंग में एसी और डीसी करंट है उसकी इंफॉर्मेशन, उसको भी रिड्यूस किया गया है। देन पढ़ते हैं 60 पेज नंबर पे, तो यहाँ देखो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको भी रिड्यूस किया गया और अभी एक्सरसाइज चालू गई एज इट इज है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फिफ्थ नंबर का चैप्टर दैट इज हीट की तरफ। तो हीट में जो स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी है ट्राई दिस, इसको रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 63 पे आते हैं, एज इट इज है, 64 भी एज इट इज है, 65 जो है वो भी एज इट इज है, 66 जो है ये भी एज इट इज है, 67 पे आते हैं, तो इसके बेस में जो है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसकी इनकी जो इंफॉर्मेशन है इसको रिड्यूस किया गया है। 68 जो है पेज नंबर एज इट इज है, 69 के बेस में जो है आईसीटी, इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो 70, तो जो एग्जांपल है सॉल एग्जांपल जो है थर्ड, इसको भी रिड्यूस किया गया है कंटिन्यूएशन में। 71 पे आओ तो इसको ये पूरा रिड्यूस किया गया, और बुक आर माय फ्रेंड इसको भी रिड्यूस किया गया। अभी एक्सरसाइज में लेकिन इस पे देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, उसको रिड्यूस किया गया है। उसके साथ जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से, उसको पूरे जो प्रॉब्लम है इसको भी रिड्यूस किया गया, मतलब ये प्रॉब्लम और ये पैराग्राफ तुम लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलो बढ़ते हैं 73 पेज नंबर, और चैप्टर है 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ 73 जो पेज नंबर है एज इट इज है, 74 भी एज इट इज है, लेकिन 75 के स्टार्टिंग में ही एक जो टेबल दिया गया वो पूरा रिड्यूस किया गया है। उसके बाद जो है 76 स्टार्टिंग में ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार, इसको रिड्यूस किया गया इस इंफॉर्मेशन को। देन 77 पे आओ तो 77 के बेस में यूज योर ब्रेन पावर में जो तो क्वेश्चन है इसको पूरा रिड्यूस किया गया है। 78 पे आना है तो 78 एज इट इज है। उसके बाद एक्सरसाइज चालू हो गई तो ये पूरी एज इट इज है। देन बढ़ते हैं 7 नंबर के चैप्टर की तरफ जो लेंसेस है, तो लेंसेस में ज्यादा रिड्यूस नहीं किया गया है। जो पेज है 80 नंबर का एज इट इज है, 81 वो भी एज इट इज है। बढ़ते हैं 82 के ऊपर, तो 82 पे जो एक्टिविटी है ट्राई दिस में ये पूरी रिड्यूस की गई है। देन 83 जो है, 83 एज इट इज है, 84 ये भी एज इट इज है। देन 85 जो है ये भी एज इट इज है, 86 जो है ये भी एज इट इज है। पहले बताया कि इस चैप्टर में ज्यादा रिड्यूस नहीं किया गया कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। 87 जो है इसके बेस पे देखो डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको रिड्यूस किया गया है। पढ़ते हैं 89 की तरफ, तो 88 एज इट इज है। देन 89 जो है ये भी एज इट इज है। 90 जो पेज नंबर है उसमें जो टेलीस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है, और कंटिन्यूएशन में 91 पे आते हैं तो वो पूरी इंफॉर्मेशन टेलीस्कोप के बारे में रिड्यूस की गई है। ओके देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज 92, तो यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई तो ये पूरी है। ओके देन 8 नंबर का जो चैप्टर है मेटलर्जी, उसके स्टार्टिंग में देखो थिंक अबाउट इट में जो क्वेश्चन है इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद कैन यू टेल के नीचे, कैन यू टेल वाला क्वेश्चन है लेकिन नीचे फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इसको रिड्यूस किया गया है। देन पेज नंबर 94 पे आओ, डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ नीचे जो ट्राई दिस में एक्टिविटी है इसको रिड्यूस किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 95 पे आना है तुम लोगों को, तो ये पूरा एज इट इज है। 96 में जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, ये जो एक्टिविटी है ये पूरी रिड्यूस की गई है। 97 पे आते हैं तो 97 एज इट इज है। देन 98 जो पेज नंबर है इसके बेस में जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड है और उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस किया गया है। ओके देन पेज नंबर है 99, तो 99 पेज नंबर एज इट इज है। देन 100 पेज नंबर वो भी एज इट इज है। उसके बाद 101 के बेस में इंटरनेट इज माय फ्रेंड ये इस कंटेंट को रिड्यूस किया गया इंफॉर्मेशन को। देन पेज नंबर, उसके बाद जो पेज नंबर है 102, डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिड्यूस किया गया है।
देन पेज नंबर 103 पे आओ, ये एज इट इज है, 104 भी एज इट इज है, देन 105 पे अगर आ गए हम, तो डू यू नो में ये जो बॉक्स दिख रहा है तुम लोगों को, ये थर्मिट रिएक्शन, ये रिड्यूस की गई है, उसके बाद कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी कंटेंट रिड्यूस किया गया है, बढ़ते हैं 106 की तरफ, तो ये पूरा एज इट इज है, 107 जो है ये भी एज इट इज है, 108 जो है, तो इसमें जो डू यू नो है और कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इसको रिड्यूस किया गया है, और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, तो ये एज इट इज है पूरी। ओके नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 9th नंबर का चैप्टर, पेज नंबर 110 पे, कार्बन कंपाउंड स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल में जो 3 क्वेश्चन है इसको रिड्यूस किया गया है 110 पे, कैन यू टेल में बेस में देखो 3 क्वेश्चन है इसको भी रिड्यूस किया गया है, बट दे 111 पे एज इट इज है, 112 जो है तो बेस में देखो डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस किया गया है, बट दे 113 एज इट इज है, 114 जो है ये भी एज इट इज है, 115 जो है ये भी एज इट इज है, लेकिन 116 पे अगर आए हम और टॉप पे राइट हैंड साइड पे डू यू नो दिख रहा है तुम लोगों को एक बॉक्स, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस किया गया है, उसके बाद 117 पे अगर हम आए तो ये पूरा पेज एज इट इज है, कंटेंट एज इट इज है, देन 118 ये जो है ये भी एज इट इज है, 119 ये भी एज इट इज है, उसके बाद 120 जो है ये भी एज इट इज है, 121 तो ये भी इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, 122 ये भी एज इट इज है, 123 ये भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ इसमें से, 124 जो है ये भी इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, देन 125 जो है ये भी एज इट इज है, 126 जो है एज इट इज है, 127 में जो है डू यू नो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिड्यूस किया गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ 228, तो देखो यूजर ब्रेन पावर के नीचे, यूजर ब्रेन पावर नहीं ये एज इट इज है, लेकिन अल्कोहल और फ्यूल ये जो बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अल्कोहल के बारे में इसको रिड्यूस किया गया है, और उसके बाद 129 पेज नंबर पे आते हैं, तो ये पूरा कंटेंट एज इट इज है, देन 130 पेज नंबर जो है ये भी एज इट इज है, 131 की तरफ बढ़ते हैं, तो जो है यहाँ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड पॉलीमर ये पूरा जो कंटेंट है टॉपिक रिड्यूस किया गया है, तो देखो ये पूरा पेज 131 से 132 तक, मतलब एक्सरसाइज तक ये पूरा क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो पूरा वो कंटेंट ही इसमें से निकाला गया है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लास्ट वाला चैप्टर 10th वाला, स्पेस मिशन स्टार्टिंग में कैन यू रिकॉल में जो 4 क्वेश्चन है उसको रिड्यूस किया गया है, उसके बाद उसी पेज पे डू यू नो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है, पेज नंबर 136 पे जो इंफॉर्मेशन है एज इट इज है, लेकिन बेस पे देखो यूज ऑफ आईसीटी इसको रिड्यूस किया गया है, बढ़ते हैं 137 पर, तो ये जो पेज है एज इट इज है कंटेंट इसमें का, देन 138 जो है एज इट इज है, लेकिन 139 के स्टार्टिंग में डू यू नो और उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये पूरे रिड्यूस किए गए हैं। ओके देन 140 के ऊपर जो है कंटेंट ये एज इट इज है, उसके बाद बढ़ते हैं 141 की तरफ, तो उसके ऊपर जो डू यू नो वाला बॉक्स है इसको रिड्यूस किया गया है, उसके बाद पेज नंबर 142 के ऊपर जो राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी रिड्यूस किया गया है, बढ़ते हैं 143 पेज नंबर, उसके इसमें देखो बॉक्स है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको भी रिड्यूस किया गया है, देन यहाँ देखो हमारा पूरा चैप्टर भी यहाँ खत्म हो गया, और हमारा पूरा हमने आज के वीडियो में क्या नहीं पढ़ना है ये हमने डिस्कस किया है। ओके तो लेंथ ज्यादा भी हो गई, लेकिन पूरा कंटेंट कौन सा तुम लोगों को पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है ये आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओके